बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पैथोलॉजी का शौक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ शौक? इन एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड। आपके पास बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, जो उसकी डिमांड है ऑर्गन की वो पूरी ना हो, तो आप शोक कंडीशन में जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन डिमांड कब कम होती है? या तो आपके हार्ट डिजीज़ होते हैं, कभी कभी ऐसे हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट जो है ब्लड पंपिंग नहीं कर सकता, या हार्ट मसल्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से हार्ट जो है बॉडी को ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो ऑर्गन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, टिश्यू परफ्यूजन नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशेंसी आ जाती है और वो ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। शोक इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल शट डाउन। इन दिस कंडीशन देयर इज़ नॉट एनफ सर्कुलेटिंग ब्लड। आपके पास बॉडी में सर्कुलेटिंग ब्लड जो है वो नहीं होता, सही है। अभी सर्कुलेटिंग ब्लड किस वजह से नहीं होता? यही हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आपका ब्लड जो है वो लॉस हुआ होता है, या किसी ट्रॉमा की वजह से लॉस हो जाता है, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है कि आपका ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता। जब सर्कुलेशन नहीं होगी तो टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी, ऑर्गन्स में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या है कि वो ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाएगा। शॉक कैन काज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट फेलियर। अच्छा, दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन। ओके, प्रोफाउंड हीमोडाइनेमिक एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस characterized by a failure of circulatory system to maintain adequate perfusion of the vital organs। अगर आपके hemodynamic activity में मतलब blood balance level जो है या metabolic disturbance create हो जाए, आपका circulatory system जो है, जो normal circulatory system है वो unable हो कि tissue perfusion कर सके, हर organ को उसके requirement के मुताबिक blood supply कर सके, उसमें अगर ये फेल हो जाए तो क्या गया कि आपके पास वाइटल ऑर्गन्स जो है वो फेलियर्स की तरफ चला जाएगा। इन एडिक्वेट परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ सेल लीड टू, अगर परफ्यूजन हमारे पास फुल नहीं हो रही है, टिश्यू परफ्यूजन बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई फुल नहीं हो रही है, सो दैट्स वाई कि ऑक्सीजनेशन की कमी आ गई, तो कौन सी कंडीशन आपके पास क्रिएट हो गया? सेलुलर डिसफंक्शन एंड डैमेज, और या तो सिर्फ सेल्स में डैमेज हो गए, मतलब एक ऑर्गन है उसके कुछ सेल जो है वो आपके पास डैमेज हो जाएंगे, और ऑर्गन डिसफंक्शन एंड डैमेज, या फुल ऑर्गन जो है वो आपके पास डैमेज हो जाएगा। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। टिश्यू परफ्यूजन इज डिटरमाइंड बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर। टिश्यू परफ्यूजन हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? मीन आर्टीरियल प्रेशर से। टिश्यू परफ्यूजन जानते हैं आप लोग, मतलब ऑर्गन्स जो है उसमें ब्लड रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हुई है कि नहीं, सही है। तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर से। मीन आर्टीरियल प्रेशर का ये एक फार्मूला है, किस चीज़ के बराबर है? कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर। बिकॉज ऑफ दिस मीन आर्टीरियल प्रेशर हम टिश्यू परफ्यूजन को डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड जो है वो टिश्यू तक उसके मिकदार के मुताबिक पहुँच चुका है या नहीं, सही है। और फिर हार्ट रेट को हम क्या करते हैं? हार्ट रेट भी देखते हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम भी देखते हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ शॉक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूरोजेनिक शॉक? इज देयर नेम इंडिकेट न्यूरोजेनिक, आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई होगी, सही है। ये इंजरी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में नर्व जो होते हैं वो इम्पल्स सप्लाई नहीं करते, वो मैसेज ब्लड को, ब्लड वेसल्स को मैसेज प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स किसी वजह से डायलेट हुए हैं या ट्रॉमा की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन आपका न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है वहाँ पे, तो ब्लड वेसल्स न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है वो उसको इम्पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो उसको मैसेज नहीं देंगे कि आप कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपकी ब्लड वेसल्स रिमेन डायलेट रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। सो इंजरी आर ट्रॉमा टू द नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन नर्व इम्पल्स टू ब्लड वेसल्स इम्पायर ब्लड वेसल्स रिमेन डायलेटेड एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज।
ओके, किस वजह से होता है? अगर आफ्टर एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपको अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो आपको न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है. सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज डिसरप्टेड लीविंग अनअपोज्ड वेगल टोन. सही है. वेगल टोन क्या होता है कि आपके पास वो एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, सही है, वो वेगल टोन जो है उस आपके पास 10th क्रेनियल नर्व है जो ऐसे एक्टिविटी करते हैं. आपकी मेजोरिटी एक्टिविटी है जो आपके अनकॉन्शियसली करते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते. तो आपका बिकॉज ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है, सिंपैथेटिक आपके कंट्रोल में होता है, उस आउटफ्लो को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं और आपके पास अनअपोज्ड वेगल टोन स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप कॉन्शियसली कोई एक्टिविटी नहीं करते. रिजल्ट इन हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया. आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और आपको हाइपोटेंशन क्रिएट हो जाती है. दूसरा, ये बिकॉज ऑफ ब्रेन, सॉरी, दूसरा है आपके पास स्पाइनल स्ट्रोक. ये स्पाइनल स्ट्रोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं. टेम्प्रेरी लॉस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिलो अ टोटल आर नियर टोटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नॉट द सेम एज न्यूरोजेनिक शॉक. द टर्म आर नॉट इंटरचेंजेबल. आपका अगर टेम्प्रेरी कोई स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी रुक जाए तो क्या है कि आपको वो स्पाइनल शॉक होता है, वो आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक नहीं होता. ये स्पाइनल शॉक जो है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है या तो लिटिल बिट डैमेज हुआ होता है या टोटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ होता है. ये स्पाइनल शॉक जो हो तो उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, इसमें भी आपके पास सिंपैथेटिक टोन लॉस हो जाता है. रिजल्ट इन अ वार्म एंड ड्राई स्किन. आपके पास स्किन जो है वो वार्म होती है एंड ड्राई होती है. ये शॉक कब तक होता है? शॉक यूजुअली लास्ट फ्रॉम 1 to 3 weeks. 1 to 3 weeks तक ये शॉक आपके पास रहता है, इसके बाद क्योर हो जाता है. एनी इंजरी अबाव T1 थोरेसिक वर्टिब्रा 1, ओके, T1 किस चीज़ को इंडिकेट करता है? थोरेसिक वर्टिब्रा 1 कैन डिस्टर्ब द इंटायर सिंपैथेटिक सिस्टम. अगर आपके पास इंजरी अबव द थोरेसिक वर्टिब्रा 1 हुई हो तो क्या है कि आपके पास इंटायर सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. मतलब आप कॉन्शियसनेस में नहीं होते, आपका अनकंट्रोल सिस्टम हो जाता है, आप अनकॉन्शियस शॉक की तरफ चले जाते हैं. हायर इंजरीज वर्स पैरालिसिस. क्या होता है कि मेन आर्टेरियल प्रेशर भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाता है. इसमें अगर आपके पास हाई इंजरीज हो तो ये तीनों चीज़ें आपके पास क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. नाउ द सेकेंड वन इज़ कार्डियोजेनिक शॉक. एज देयर नेम इंडिकेट, कार्डियक हार्ट के साथ कार्डियोजेनिक शॉक, माइकार्डियल इन्फार्क्शन विद डैमेज टू हार्ट मसल्स, हार्ट अनेबल टू पंप इफेक्टिवली, इनएडेक्वेट कार्डिक आउटपुट, बॉडी सेल्स डू नॉट रिसीव एनफ ऑक्सीजन. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल माइकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसमें आपके पास हार्ट मसल्स काम करना छोड़ देते हैं. हार्ट मसल्स आर अनेबल टू पम्प. सो जब वो पम्पिंग छोड़ देते हैं तो कार्डिक आउटपुट आपके पास डिक्रीज हो जाता है. कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, दैट्स मीन टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी, टिश्यू के पास उसके ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो क्या होगा कि एनफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगा, और जब एनफ ऑक्सीजन रिसीव ना हो तो हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा है कि शॉक आपके पास क्या है, कि जब बॉडी ऑर्गन्स एनफ ऑक्सीजन रिसीव ना करे तो वो शॉक कंडीशन की तरफ चला जाता है. सो दिस इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक. आपके पास हार्ट मसल्स काम नहीं कर रहे, पम्प इफेक्टिवली, हार्ट जो है पंपिंग इफेक्टिवली नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट आपके पास डिक्रीज हो जाता है. नाउ कार्डिक आउटपुट भी आपके पास टू टाइप है, एक इंट्राकार्डियक, एक एक्स्ट्रा कार्डियक. सो इंट्राकार्डियक में क्या है कि आपके विद इन हार्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक अ माइकार्डियल इन्फार्क्शन और ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो, एरिथमियस. एरिथमियस कौन सा डिजीज है? हार्ट बीट आपके पास इरेगुलर हो जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सेट्रा होती है. वाल्वुलर लीजन्स, आपके फोर वाल्व में से कोई भी वाल्व में लीजन हो सकती है, जिसकी वजह से ये पंपिंग जो है हर्ट नहीं करेगा. एक्यूट माइकार्डियल इन्फार्क्शन, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. दिस इज द इंट्रा कार्डियक कंडीशंस इन विच हार्ट अनेबल टू पम्प द ब्लड टू द ऑर्गन्स. ओके,
नाउ कार्डियोजेनिक शॉक एक्स्ट्रा कार्डियक. एक्स्ट्रा कार्डियक मतलब हार्ट के बाहर कौन से ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हार्ट मसल्स अनेबल होते हैं टू पम्प द ब्लड. एक तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अगर एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाए. कार्डियक टेम्पोनेट्स फ्लूड इन द पेरिकार्डियम. आपका पेरिकार्डियम जो होता है उसमें फ्लूड एकमुलेट हो जाती है, सेक क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है आपका कंप्रेस हो जाता है उस फ्लूड की वजह से. टेंशन निमोथोरिक्स. टेंशन निमोथोरिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एयर बिटवीन चेस्ट एंड लंग्स. ओके, दिस इज द सम एक्स्ट्रा कार्डियक कंडीशंस विच अफेक्ट द हार्ट मसल्स आर विच अफेक्ट द हार्ट टू अनेबल द कार्डिक आउटपुट. मतलब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है आपके पास इसमें. नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. इसमें क्या है? हार्ट फेल्स टू पम्प द ब्लड आउट. आपके पास हार्ट जो है वो फेल हो जाता है कि ब्लड को पम्प आउट कर सके, ऑर्गन की तरफ ट्रांसफ़र कर सके. तो क्या है कि आप फार्मूला इसका इस तरह लिखेंगे, मायोकार्डियल मेन आर्टेरियल प्रेशर, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ है लेकिन सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. तो क्या है? हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपके पास डिक्रीज हो जाती है कार्डियोजेनिक शॉक हो अगर आपके पास. इफ़ यू हैव कार्डियोजेनिक शॉक तो आपके पास हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा. ये बात इसमें याद रखें. ये क्या है? ये आपके पास नॉर्मल कंडीशन है, मेन आर्टेरियल प्रेशर है. इफ़ यू हैव कार्डियोजेनिक शॉक कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया लेकिन इस पे सिस्टेमिक वेस्कुलर वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ना हुआ. यहाँ पे भी इस तरह डिक्रीज हो जाती है लेकिन अगर आपके पास सेवियर इंजरी है, बहुत ज़्यादा इंजरी है, तो आपके पास मेन आर्टेरियल प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इसके अलावा कार्डिक आउटपुट डबल डिक्रीज होगा और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन होगी. वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन जब होता है तो वो ब्लड सप्लाई करते हैं ब्लड की तरफ, एक फिजियोलॉजी है, रेगुलेट करना है मैकेनिज्म को. तो कार्डिक आउटपुट तो डिक्रीज है, वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से वो वेसल्स जो है वो वास कंस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो है टुवर्ड द हार्ट पंप होता है. द थर्ड वन इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. यहाँ पे आपके पास वॉल्यूमिक शॉक मतलब सीवियर ब्लड लॉस होती है, ब्लड वॉल्यूम जो है आपके बॉडी में काफ़ी डिक्रीज हो जाती है. सीवियर ब्लीडिंग आर लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम ट्रॉमा बर्न्स सर्जरी आर डिहाइड्रेशन फ्रॉम सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग. क्या है कि ये कुछ ट्रॉमा वगैरह से होती है, बर्न सर्जरी वगैरह से आपका ब्लड जो है लॉस हो जाता है या आपके पास सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है लाइक इन अ फॉर्म ऑफ नोजिया और वोमिटिंग. ब्लड प्रेशर, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है देन योर ब्लड प्रेशर डिक्रीज, दस ब्लड फ्लो इज रिड्यूस टू सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स. सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती है टूवर्ड द सेल और टिश्यू और ऑर्गन्स की तरफ, जिसकी वजह से इन तीनों में क्या हो जाती है? हाइपोक्सिया काज हो जाती है और फेलियर काज हो जाती है. रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम विद सेकेंडरी डिक्रीज कार्डिक आउटपुट. क्या है कि आपके पास एक तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाती है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में. अब ये भी हमारे पास टू टाइप्स टू कंडीशन है, टू काजेज है इसके, एक नॉन हेमोरेजिक है और एक हेमोरेजिक है. नॉन हेमोरेजिक मतलब आपको कोई वोमिटिंग हुई है जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है या डायरिया हुआ है या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, पेनक्राइटाइटिस, बर्न्स या इन्वायरमेंटल डिहाइड्रेशन, ये नॉन हेमोरेजिक है, इसमें आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती. हेमोरेजिक कौन सी है? GIT ब्लीडिंग, ट्रॉमा, मैसिव हीमोप्टेसिस जानते हैं, ब्लड वोमिटिंग जो होती है, एब्डोमिनल ऑरोटिक एनोरिज्म, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है कि एक तो नॉर्मल फलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी साइड पे हो जाए मतलब अपनी जगह पे प्रेगनेंसी नहीं होती किसी दूसरे साइड पे होती है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपका आप शॉक कंडीशन में जा सकते हैं. नाउ हाइपोवॉल्यूमिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हार्ट पम्प्स वेल, सही है, बट नॉट
एनफ ब्लड वॉल्यूम टू पम्प. आपके पास यहाँ पे हार्ट जो है वो बिल्कुल सही है, उसके मसल सही है, उसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन आपके बॉडी में इतना ब्लड नहीं है कि हार्ट उसको पंप कर सके. दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. ओके, सो इसमें आपके पास क्या होती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ब्लड ही नहीं है कि हार्ट उसको पंप आउट कर सके. बाकी इस पे सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हार्ट रेट आपका नॉर्मल होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है. ये क्या है, ये आपके पास नॉर्मल है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. फिर अगर सीवियर इंजरी हो तो क्या है, कार्डिक आउटपुट डबल डिक्रीज होता है और वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाते ही, वही कंडीशन है कि फॉर द फिजियोलॉजी आपके उसको रेगुलेट कर सके, मैकेनिज्म को वाजो कंस्ट्रिक्शन काज हो सके आपके पास. व्हेन द ब्लड फ्लो डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स इंक्रीज, यहाँ पे इन लोगों ने कहा है टू रिस्पॉन्स द बॉडी कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स काज वाजो कंस्ट्रिक्शन ड्यू टू सिंपैथेटिक टोन ऑफ वेसल्स. ड्यू टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेसल्स द ब्लड फ्लो स्क्वीज टुवर्ड द हार्ट मोस्टली हैपेंड इन द वेनस ड्रेनेज. सिंपैथेटिक टोन आल्सो एक्ट ऑन द हार्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट. ओके, ये क्या है, उस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए, ये जो हमने कहा यहाँ पे कि आपके पास सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है वो टुवर्ड द हार्ट चला जाता है, और इसके अलावा सिंपैथेटिक टोन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है ताकि हार्ट रेट को इंक्रीज कर सके. हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वो जल्दी जल्दी पंपिंग करेगा, ब्लड को कलेक्ट करेगा, सही है, और बॉडी को ट्रांसफर करेगा. तो ये एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का. नाउ सेप्टिक शॉक, एन एक्यूट इन्फेक्शन यूजली सिस्टेमिक दैट ओवर लीम द बॉडी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, पॉइजन सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज इंपायरिंग ब्लड फ्लो टू सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स. आपके पास कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल सेप्टिक वर्ड जहाँ पे भी आए ये इन्फेक्शन के साथ होता है. तो आपके पास कोई इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजन्स वगैरह आपके ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है उसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड आउटफ्लो जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स टिश्यू और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती. सो वही कंडीशन है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, हाइपोक्सिया काज होगा और टिश्यू फेलियर्स काज होगे. क्लिनिकल साइंस ऑफ द सेप्टिक शॉक, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया काज होती है, टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, वाइड पल्स प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, कंपेंसेटेड शॉक, ब्लड प्रेशर में भी नॉर्मल, इसमें आपके पास ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है. ये देखिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको किसी एलर्जी के साथ रिलेट है, कोई मक्की वगैरह आपको काट ले, कोई और चीज़ से आपको एलर्जी हो तो आप उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक में जा सकते हैं. रिजल्ट फ्रॉम रिएक्शन टू सब्सटेंस टू विच पेशेंट इज हाइपर सेंसिटिव, किसी ऐसे सब्सटेंस के रिएक्शन जिसके लिए वो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होता है तो आप एलर्जी में जा सकते हैं. मतलब किसी लोगों को ड्रग से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, उसके लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वो सब्सटेंस अगर आपके पास आए तो क्या हो जाता है कि आप उसकी वजह से शॉक में जा सकते हैं. एलर्जिक एलर्जन एक्सट्रैक्ट, बी स्टिंग्स, मेडिकेशन, फूड एक्सेट्रा, आउट पोरिंग ऑफ हिस्टामिन रिजल्ट इन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी. क्या है कि जब भी एलर्जी होती है आपके पास तो हिस्टामिन रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ हिस्टामिन ब्लड वेसल्स डायलेशन होती है. ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए तो क्या है कि थ्रू आउट द बॉडी वो वही बात कि ब्लड जो है ऑर्गन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता और हाइपोक्सिया काज हो जाती है. नाउ एनाफाइलेक्टिक शॉक हैव टू टाइप्स, ओके, इम्यूनोलॉजिकल एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड नॉन इम्यूनोलॉजिकल एनाफाइलेक्टिक शॉक. फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट द एलर्जन्स फ्रॉम फूड, बीस, टॉक्सिन इंटरेक्ट विद द बी सेल्स क्रिएटिंग एंटीबॉडीज. किसके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, बी सेल्स के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है.
एंटीबॉडी रिएक्ट अगेंस्ट दिस एलर्जेंस, फिर वही एंटीबॉडीज उस एलर्जन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं. इम्यूनोलॉजिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक्टिवेटेड एंड अटैच टू मास्ट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मास्ट सेल एक्टिवेट इम्यून मीडिएटेड साइटोकाइंस. वही वाली सिस्टम है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर मास्ट सेल जो है एक इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस एलर्जी एक मैकेनिज्म स्टार्ट करता है उस एलर्जी को ओवरकम करने के लिए. मास्ट कम्युनिकेट विद अदर वाइट ब्लड सेल्स, फिर वो मास्ट सेल जो है वो वाइट ब्लड सेल के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं टू रिक्रूट इट टू द एलर्जी साइट, और फिर वो मास्ट सेल विद वाइट ब्लड सेल्स रिक्रूट हो जाते हैं, चले जाते हैं किसकी तरफ, एलर्जी साइट की तरफ. वही इन्फ्लेमेशन वाली बात है, सही वही मैकेनिज्म है. बोथ मास्ट सेल एंड इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड एंड रिलीज हिस्टामिन बिकॉज ऑफ दिस मास्ट सेल एंड इम्यून सिस्टम. आपके पास हिस्टामिन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और हिस्टामिन का काम आप लोग जानते हैं कि क्या करता है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन. सो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड आल्सो फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द वेसल्स कॉज स्वेलिंग एंड एडिमा. डायमीटर बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन ब्लड वेसल्स डिक्री वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और आपको पता है जब आपके पास ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए तो जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं, एक्स्ट्रा से मतलब मेजर साइज ऑफ प्रोटीन वगैरह जो है वो भी इजीली पास आउट हो सकते हैं, और फिर उस एरिया में क्या क्रिएट कर लेते हैं, आपके पास स्वेलिंग और एडिमा. नाउ नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एलर्जन स्पेसिफिकली अटैच टू द रिसेप्टर्स, आपके पास रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं. पैथोफिजियोलॉजी, हार्ट पंप फेल, इसमें भी क्या है, इस बात को आप लोग सब में डिफ्रेंशिएट ज़रूर रखें कि हार्ट पंप्स वेल, कहाँ पे हार्ट काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे ब्लड कम है, कहाँ पे इन्फेक्शन है, ये चीज़ें आप लोग याद करें. और दूसरा ये है कि किस चीज़ में कार्डिक आउटपुट इफेक्ट हो रहा है, किस चीज़ में सिस्टेमिक वॉल्यूम रेजिस्टेंस इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये आपने सब शौक में जो जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं इसमें डिफ्रेंशिएशन रखना है. इसमें क्या है, हार्ट पम्प्स वेल बट देर इज़ अ पेरिफेरल वाजर डायलेशन ड्यू टू लॉस ऑफ वेसल टोन. इसमें भी पंपिंग जो है हार्ट सही कर रहा है लेकिन वाजर डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस वाजर डायलेशन आपके टिश्यू परफ्यूजन नहीं होती. सो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है क्या, आपके पास वेसल्स इफेक्ट हो रहा है. तो मीन आर्टेरियल प्रेशर में कार्डिक आउटपुट भी नॉर्मल है लेकिन सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आपके पास वाजर डायलेशन हुई है. हार्ट रेट आपके पास नॉर्मल है एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो नॉर्मल. दिस इज द कंडीशन. ये देखें, ये बिल्कुल दूसरे के अपोजिट है, जितने भी हमने इससे पहले टाइप्स पढ़े हैं इसमें ये जो था ये इफेक्ट नहीं हो रहा था लेकिन कार्डिक आउटपुट इफेक्ट हो रहा था. यहाँ पे सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इफेक्ट हो रहा है लेकिन कार्डिक आउटपुट एज मच इफेक्ट नहीं हो रहा है. सो अगर नॉर्मल इंजरी है तो यही वाली कंडीशन है कि कार्डिक आउटपुट नॉर्मल और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. इससे ज़्यादा इंजरी है तो ये डबल हो जाएगा और ये डिक्रीज वही होगा. फिर अगर सीवियर इंजरी है तो ये ट्रिपल होगा, मतलब इससे भी ज़्यादा आपके पास कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डबल डिक्रीज हो जाएगी. नाउ व्हाट इज साइकोजेनिक शॉक. साइकोजेनिक शॉक, शॉक कास्ट बाय ओवरलीविंग इमोशनल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द इमोशनल फैक्टर्स. सडनली कोई ऐसी खुशी की न्यूज़ आपको मिल जाए, कोई हैप्पी न्यूज़ हो, कोई सैड न्यूज़ हो सडनली, तो आप उसकी वजह से आप की जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और आप फेंटिंग की तरफ चले जाते हैं. सडन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स रिजल्ट इन फेंटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. वाजर डायलेशन हो जाती है, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जो है वो डिक्रीज हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको साइकोजेनिक शॉक हो जाता है. रिस्पायरेटरी शॉक, ट्रोमा टू द रिस्पायरेटरी ट्रैक ट्रेकिया लंग्स दैट कॉज अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. क्या है कि ऑक्सीजन या कार्बन आपके लंग्स में या ट्रेकिया में कोई ट्रोमा आ जाती है जिसकी वजह से
उस ट्रॉमा की वजह से आपका लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज सही से नहीं कर सकता, तो आपके बॉडी सेल्स जो है वो सही ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर सकते, बॉडी सेल्स कैंट रिसीव एनफ ऑक्सीजन. नाउ दिस इज़ द साइंस ऑफ ऑल शॉक, मतलब शॉक जितना भी आपको जिस वजह से भी हो, कोई भी काज है, सेप्टिक शॉक है, कार्डियोजेनिक है, हाइपोवॉल्यूमिक है, कोई भी शॉक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स आपके पास ये होंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, रैपिड वीक आर एबसेंट पल्स, इररेगुलर हार्ट बीट, कन्फ्यूजन, रैपिड शेलो ब्रीथिंग, एनजाइटी, डिक्रीज इन यूरिन, चेस्ट पेन, नाजिया, थर्स एंड ड्राई माउथ, लो ब्लड शुगर, फीवर सेप्टिक शॉक में होती है. ओनली इस बात को याद रखें कि आपके पास जो है फीवर जो है वो ओनली सेप्टिक शॉक में होगी. और दूसरा हीव्स एंड स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड थ्रॉट, ये आपके पास एनाफाइलेक्टिक शॉक में होगी. सही है, ये दोनों, ये जो है ये सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए है और फीवर जो है वो सिर्फ सेप्टिक शॉक के लिए है. बाकी जितने भी साइंस है ये सब में कॉमन है. आपको शॉक किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक है, चाहे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, चाहे वो साइकोजेनिक शॉक है, आपके सिम्टम्स यही होंगे. नाउ काजेज ऑफ शॉक, ये भी काजेज है जितने हमने पढ़े. सही है, एनीथिंग दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी कैन काज शॉक. कैन काज शॉक, सम कॉमन काज ऑफ शॉक आर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर ले तो क्या है वो आपके पास शॉक काज करते हैं. जैसे सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, किसी ट्रॉमा की वजह से आपका ब्लड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से आपके ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, और एलर्जिक रिएक्शन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, नर्व डैमेज, ब्लड इन्फेक्शन, ये सारे हमने जो ऊपर पढ़े ये सारे उसी को इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ ट्रीटमेंट फॉर शॉक, इस तरह हम ट्रीट करेंगे. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर आपके पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, मतलब ब्लड जो है वो रिड्यूस है आपके बॉडी में, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली आप उसको ब्लड देंगे. शॉक caused by dehydration is treated with. Now, shock caused by dehydration is treated with intravenous fluid. अगर dehydration की वजह से हुआ है, मतलब आपका water जो है वो loss हुआ है, तो आप easily इसको intravenously fluid देते हैं, वो in the form of drip वगैरह जो लगाते हैं. Shock caused by anaphylaxis is treated with epinephrine and other drugs. एनाफाइलेक्सिस की वजह से आपको शॉक हो, मतलब किसी एलर्जी की वजह से, तो क्या है हम क्या देते हैं उसे, उसे एपिनिफ्रीन देते हैं. सही है. कार्डियोजेनिक शॉक इज ट्रीटेड बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो थ्रू टू द हार्ट. अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो हम ब्लड फ्लो को क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी एम्बोलिज्म की वजह से हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जा रहा है, तो हम उस एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट कर लेंगे. या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हार्ट फ्लो जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम उस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कर लेंगे जिसकी वजह से शॉक जो है वो आपके पास ऑलरेडी क्योर हो जाएगा. थैंक यू. आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.